हे गाइस, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल कृष्णा गैलरी में। सो गाइस, आज से पहले हमने कभी भी एल्बम डिजाइनिंग के ऊपर कोई भी ट्यूटोरियल नहीं बनाया, तो कमेंट में बहुत ज्यादा ऐसा आता है कि सर एल्बम डिजाइनिंग के बारे में वीडियो बनाइए। तो गाइस, मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि सप्ताह में एक ट्यूटोरियल एल्बम डिजाइनिंग के ऊपर लाऊं कि कैसे आप एल्बम को बना सकते हैं, कैसे नया चीज को एल्बम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, आज का ये वीडियो पहला एल्बम डिजाइनिंग के ऊपर वीडियो है, तो मैं इसको थोड़ा सा बेसिक रखूंगा। उसके बाद इसके बाद जो भी एल्बम डिजाइनिंग के ऊपर वीडियो आएगा वो थोड़ा सा एडवांस होते जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक करके हम लोग जो प्रोसेस है उसको समझेंगे, एल्बम कैसे बनता है, एल्बम का साइज वगैरह। सो गाइस, बिना समय बर्बाद वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर ही सारा प्रोसेस को देखेंगे। सो गाइस, एल्बम सबसे पहले डिजाइन करने के लिए आपको साइज पता होना चाहिए कि आप कौन सा साइज का एल्बम बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम 12 बाई 18 साइज का हाफ पेज बनाएंगे। क्या होता है कि वेडिंग एल्बम में बेसिकली हम लोग बनाते हैं 12 बाई 36 का पूरा पेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका फर्स्ट पेज बनाएंगे, यानी वो 12 बाई 18 साइज का होगा। तो जैसे अभी यहाँ पे हम फोटोशॉप पे जाते हैं और क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये हमको एक विंडो देगा न्यू डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो न्यू डॉक्यूमेंट में यहाँ पे 12 बाई 18 जैसे हमारा यहाँ पे साइज ऑलरेडी लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंच रखना है आपको, इंच मैं यहाँ पे 18 रख रहा हूँ और 12। अगर आप पूरा पेज को डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे 12 बाई 36 रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 12x18 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्रिएट को क्लिक करते हैं। क्रिएट को क्लिक करने के बाद हमारा जो नया डॉक्यूमेंट है खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप एल्बम को डिजाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, नया एक लेयर लेता हूँ। नया लेयर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, इलेप्टिकल मक्की टूल ले लेना है। ये लेने के बाद आपको सर्कल एक ड्रॉ करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इस सर्कल को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद सिंपली यहाँ से मैं एक सॉलिड कलर का ऑप्शन को लेता हूँ। लेने के बाद सॉलिड कलर का ऑप्शन लेने के बाद आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओके पर हिट करता हूँ। ओके पर हिट करने के बाद इसमें कंट्रोल टी करते हैं तो ये फ्री ट्रांसफर आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, जैसे हम मुझको यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइज शेप को चेंज करना है, तो मैं इधर से पकड़ के थोड़ा सा इसको टान देता हूँ। तो देखिए हमारा जो ये शेप है वो टोटली चेंज हो जा रहा है इधर। अभी मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर ला देता हूँ। तो देखिए मुझे लगभग इस टाइप के साइज पे रखना है, मतलब मेरा जो बड़ा फोटो है वो इधर आएगा, बाकी सारा चीज छोटा छोटा आएगा। तो मैं यहाँ पे ये करने के बाद क्या करता हूँ, हमारा जो फोटो है, जैसे हमारा ये वाला फोटो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो ये वाला फोटो को मैं ला के यहाँ पे डालता हूँ। ला के डालने के बाद इसको सेट कर लेते हैं अपने आप, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा फोटो सेट हो गया। अभी मुझको क्या लग रहा है, फोटो को थोड़ा बड़ा करना चाहिए, तो मैं कंट्रोल टी करता हूँ और इस साइड से पकड़ के इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखिए, अभी आप अगर आपको लगता है कि ये जो हमने यहाँ पे सर्कल बनाया है थोड़ा सा ज्यादा इधर आ गया, तो आप इसको अभी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल को इस साइड टांगता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारा सर्कल यहाँ पे ड्रेस कट जा रहा है, तो मैं इसको कंट्रोल टी करके फिर से इस साइड से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अभी सेंटर से भी बड़ा हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ से और इस साइड का पार्ट को टान के बड़ा कर देंगे। ये देखिए ऐसे, ये रहा। तो हम ये शेप का यूज करेंगे इस वाले वीडियो के लिए, ठीक है। तो ये वाला अगर PSD मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप रीयूज करके उसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं ये वाला जो कलर फील बनाया है इसको मैं कंट्रोल J करके एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, और नीचे वाला जो लेयर है उसको सिंपली एरो की से साइड में करके ऐसे करके बना लेता हूँ। अभी यहाँ पे ये जो कलर आ रहा है मैं इसको व्हाइट रखूंगा, आप इसको कोई भी कलर रख सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको व्हाइट कर देता हूँ। तो ये करने के बाद ये हमारा बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर देता हूँ, सॉलिड कलर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने बैकग्राउंड में कोई एक कलर डाल दिया है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका बैकग्राउंड, मतलब आप क्या एडिटिंग कर रहे हो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ फिर से, और यहाँ पे फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। सर्कल ऐसे करके मैं कोई भी आप साइज में सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, मैं ये साइज पे ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर से मैं यहाँ पे एक सॉलिड कलर का ऑप्शन को ले लेता हूँ, ठीक है। सॉलिड कलर का ऑप्शन को लेके मैं यहाँ पे इसको सेट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको सेट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ और इसके अंदर पे मैं एक ये दूंगा, स्ट्रोक दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली FX पे क्लिक करिए और यहाँ से स्ट्रोक पे आ जाइए। स्ट्रोक पे आने के बाद आपको ये ऑप्शन दे देगा, मैं यहाँ पे 45 की जगह 50 रखता हूँ। हाँ परफेक्ट है 50। तो यहाँ पे हमने 50 का स्ट्रोक डाल दिया इसके अंदर पे, ये ऐसा दिख रहा है। तो अब हमारा जो दूसरा इमेज है जो हम यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट में, ये वाला, तो इसको हम फोटोशॉप पे ड्रॉप कर लेते हैं ऐसे करके।
करने के बाद देखिए ये फोटो हमने ऑलरेडी एडिटिंग करके रखा है, अभी सिंपली यहाँ से आपको लेना है क्विक सिलेक्शन टूल और यहाँ से आपको करना है सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट लेने के बाद ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाता है, आप इसको सिंपली मास्क कर लीजिए। मास्क करने के बाद आप इसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर को फिल कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ग्रे टाइप का कलर को फिल कर लेता हूँ और रखता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखिए हमारे फोटो में जो भी आपको कमी दिखेगा वो आप आपके डिस्प्ले में शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लेयर पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन को लेता हूँ। सिलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन को लेने के बाद यहाँ से भी हमारा जितना भी ये पार्ट है जो जहाँ से दिख रहा है ये कलर या कुछ भी, इसको हम लोग धीरे धीरे करके पूरा को रिमूव कर लेते हैं ऐसे करके। सॉरी, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मुझे उतना डिटेल्स यहाँ पे नहीं चाहिए, मतलब एकदम परफेक्टली नहीं चाहिए, तो मैं इसको नॉर्मली रख रहा हूँ और ओके पर हिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप सिलेक्शन हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जैसे यहाँ पे ये पार्ट कट गया है, तो इसको हम लोग सिंपली ब्रश को लेके रिमूव फिर से ले आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं इसका अमाउंट को बढ़ा देता हूँ, हार्डनेस को, और यहाँ पे सिंपली ऐसे करके प्रिंट करके इसको ले आता हूँ। परफेक्ट है अभी। तो यहाँ पर ये हो जाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ये वाले फोटो को सिंपली पकड़ेंगे ऐसे और उठा के अपना यहाँ पे लेके आ जाते हैं। यहाँ पे लाने के बाद मैं इसको रखता हूँ और कंट्रोल टी करके इसको छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए ऐसे करके। अभी इसको इस हिसाब से छोटा करना है कि ये आपको 3D लगे, फोटो का पूरा जो लुक है वो 3D लगे। जैसे मैं यहाँ पे सेट करता हूँ ऐसे करके, देखिए यहाँ पे ऐसे करके सेट करता हूँ, तो यहाँ पे ये ड्रेस का इस पार्ट से भी दिख रहा है जो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये पूरा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा, ओके। तो देखिए अभी ये बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, तो मैं इसको सो गाइस इसको इंटर करके फिक्स कर लेने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको मास्क कर देना है ऐसे करके। मैं मास्क कर देता हूँ, मास्क कर दिया तो अभी ये इसके अंदर चला जाता है, तो मैं इसका कंट्रोल जे करके और एक डुप्लीकेट बना लूंगा। तो ये देखिए अब ये ऊपर में आ जाता है, ठीक है। तो ऊपर में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला जो लेयर है इसका मास्क में क्लिक करना है और आपको ब्रश लेना है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर लेके ये जो पूरा पार्ट है इसको रिमूव कर देना है ऐसे करके, यहाँ से पूरा, यहाँ से हाथ के पार्ट से पूरा इसको रिमूव कर लेंगे। आप ध्यान से कर दीजिए इसको, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ध्यान से, ओके। तो अभी देखिए ये फोटो क्या लग रहा है, ये थोड़ा सा 3D लुक पे आ गया यहाँ पर, ठीक है। अभी सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, ये नीचे वाला जो बैकग्राउंड वाला लेयर है इस पर फिर से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी मैं यहाँ पे ये वाला फोटो को यूज करूंगा, इसको सिंपली ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे इस लेयर पे ये दिख नहीं रहा, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो ये करने के बाद क्या करना है आपको, अभी ये जो हो गया अब इसको सेट करना है अपने फोटो को अपने हिसाब से। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि लड़का और लड़की का जो भी फेस है वो पूरा पार्ट दिखे, तो मैं इसको डबल क्लिक करके फिक्स करता हूँ और इसको सिंपली मास्क करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मास्क कर दिया मैंने और इसको कंट्रोल आई कर दिया। अभी यहाँ से हम ब्रश लेंगे और इसका जो वैल्यू है इसको हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 25 के आसपास रखता हूँ, 29 रखता हूँ। 29 करने के बाद मैं इसको बड़ा करता हूँ और यहाँ 29 करने के बाद यहाँ पे हम व्हाइट कलर को ले लेते हैं और इसको मैं एक बार में ऐसे करके स्ट्रोक करूँगा। जस्ट सॉरी, यहाँ पे आपको हार्डनेस को एकदम जीरो रखना है। हार्डनेस को जीरो रखने के बाद आपको ऐसे करके पेंट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, ये देखिए। तो ये करने के बाद मैं अभी इसका ओपेसिटी को पूरा 100 कर दूंगा और सिंपली इस साइड से एक स्ट्रोक और करता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखिए मतलब वो जो मतलब लड़का का जो फेस है वो सिर्फ फोकस में आ रहा है, बाकी सारा चीज ही आ रहा है। तो मैं इसका अमाउंट को कम करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करके इसका कलर को चेंज करूँ, जैसे मैं यहाँ पे व्हाइट भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप का ग्रे कलर को रखना पसंद करूंगा, जो शायद थोड़ा इमेज को, या फिर येलो भी आप रख सकते हैं, येलो में डार्क येलो, बट यहाँ पे आप जो भी कलर रखिए वो थोड़ा सा डार्क रखिए तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ये ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, बट मैं थोड़ा सा इसको रेड स्टोन पे ले चलता हूँ, जैसे यहाँ से, ओके। तो ये वाला टोन थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे नीचे से मैं थोड़ा सा इसमें रेड कलर डालूंगा। तो मैं नया लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से सीधा ग्रेडियंट ले लेता हूँ और यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे रेड, और इसको डालता हूँ ऐसे करके। तो ये देखिए रेड आ जाने के बाद थोड़ा सा इमेज अलग हो गया ये, बट इसका अमाउंट को मैं कम कर दूंगा ये रहा। और इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में हम लोग शॉर्ट लाइट को रखते हैं। तो अभी देखिए थोड़ा सा अलग हो गया पूरा ये देखिए, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कपल का नाम लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मनीष,
मनीष एंड जीतू कपल का नाम है हमारा, तो जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे साइड में मनीष एंड जीतू, ठीक है। ये हो जाने के बाद ओके पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसको वाइट कलर पे रखूँगा, तो वाइट कर देता हूँ सबसे पहले। और इसका जो साइज़ है, सबसे पहले साइज़ को कम करते हैं, 50 के आसपास रखते हैं, 50 ओके। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर रखना है तो इसको हम लोग ऐसे करके लेके आते हैं यहाँ पे, और इसका फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट को हम कैसे रखेंगे वो हम देखते हैं अभी। ये वाला फंट अच्छा है, तो ये वाला फंट को यहाँ पे हम लोग रखते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग मनीष और जीतू लिख दिए हैं, ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सामने चले जाते हैं और जैसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको। वे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक स्पेस डाल के मैं ऐसे करके एक डिज़ाइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमने मनीष एंड रितु का एक एल्बम का डिज़ाइन बनाया, जो कि 12x18 साइज का है। बहुत ही बेसिक और अच्छा लग रहा है ये। अगर आप इसको इम्बोस में प्रिंट कराएंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग आएगा, क्योंकि इसमें ज्वेलरी का पार्ट है, तो कुछ ज्वेलरी जो है जो हाईलाइट हो जाएगा। तो गाइस, ये वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने इसको बनाया है, तो आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।